ये सीन आपको फिल्म में देखने को मिलेगा दोस्तों, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हो। ये पूरा सीन आप उस छोटे वाले पत्थर को मैच कर सकते हो और इस पहाड़ का पूरा सेम मैच कर सकते हो दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुनील और स्वागत करता हूं अपनी एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा शोले फिल्म का शूटिंग लोकेशन। दोस्तों शोले फिल्म 1975 में रिलीज हुई थी और शोले फिल्म को रिलीज हुए कम से कम 48 साल हो चुके हैं, लगभग 48 साल हो चुके हैं। तो दोस्तों 48 साल के बाद देखते हैं रामगढ़ गांव कैसा दिखता है। दोस्तों शोले फिल्म में एक रामगढ़ गांव दिखाया गया था जो कि एक्चुअल में वो कोई गांव नहीं था, वो एक सेट लगाया गया था शूटिंग के लिए। उस गांव का नाम है रामनगर और दोस्तों शोले फिल्म की शूटिंग बेंगलोर के रामनगर में हुई है, जहाँ मैं कुछ दिन पहले गया था। और वहाँ पर जाने के बाद मैं इतना खुश हुआ दोस्तों, सारे लोकेशन मुझे 110% मिले, ठाकुर का घर और जहाँ बसंती पूजा करने जाती है। तो अभी दो तीन वीडियोस दोस्तों शोले फिल्म के शूटिंग लोकेशन के ही आएगी और उम्मीद करूँगा दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आएगी, क्योंकि दोस्तों शोले एक अपने ज़माने की काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर फिल्म थी और उसकी पॉपुलैरिटी आज भी बरकरार है। उसके किरदार अमर हैं, चाहे वो गब्बर सिंह हो, अमजद खान, हालाँकि अभी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके किए गए किरदार गब्बर सिंह वाला जो खतरनाक डाकू का जो किरदार किया था, वो आज भी हमारे दोस्तों काफ़ी सारे लोग आज भी उन डायलॉग को बोलते हैं, हेरा क्या होगा रे कालिया, कोई भी मुसीबत में फंसते हैं तो ये वाला डायलॉग बोलते हैं दोस्तों आप, तेरा क्या होगा रे कालिया। और गब्बर सिंह का वो डायलॉग कितने आदमी थे, काफ़ी सारा पॉपुलर डायलॉग है वो दोस्तों और आज भी सुना जाता है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए दोस्तों चलिए फटाफट चलते हैं रामनगर रामगढ़ गांव और आपको दिखाते हैं कि 48 साल के बाद जो रामगढ़ गांव है जहां पे शोले फिल्म की शूटिंग हुई थी वो कितना ज़्यादा बदलाव हुआ है, वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों फटाफट वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। बहुत ही आराना लगता है इस छमिया से तेरा टांका बिड़ाई क्या रे राम साधे, तुझसे बड़ा कमीना मैंने जिंदगी में नहीं देखा और अब देखोगे भी नहीं। अरे ओ साबा, उठा तो जरा बंदूक और लगा निशाना इस कुत्ते पर। असंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना साबा। दोस्तों मैं अभी रामनगर में हूँ और इसी लोकेशन पे शोले फिल्म की शूटिंग हुई थी, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। दोस्तों अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे कि शोले फिल्म की शूटिंग कहाँ पे हुई थी तो आपको इसी लोकेशन के बारे में आपको बताएगा। दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हो इसी लोकेशन पे, इसी जगह पे जहाँ पे रेड एरो लग रहा है वहीं पे दोस्तों टंकी बनाया गया था जहाँ से धर्मपाजी कूदते हैं और ये डायलॉग होता है दोस्तों, कूद जाऊँगा, फान जाऊँगा, मर जाऊँगा बसंती से शादी करने के लिए। तो आपने पूरा सीन फिल्म में देखा ही होगा दोस्तों, तो आप परफेक्ट मैच कर सकते हो दोस्तों। टंकी इसी जगह पे बनाया गया था, आप इस पत्थर को भी मैच कर सकते हो, जैसा कि आपको स्क्रीन पे रेड मार्क करके एरो लगा दे रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपको प्रॉपर सीन मैच करने में कोई परेशानी ना हो दोस्तों। दोस्तों ये सारी पहाड़ियाँ आपको फिल्म में देखने को मिलेंगी और दोस्तों एक सीन में अमिताभ बच्चन बंदूक लेके खड़े होते हैं, उस टाइम पर इस पत्थर को प्रॉपर आप मैच कर सकते हो, इस पत्थर को दिखाया गया है। और सामने एक छोटा सा बीट है दोस्तों, सामने से मैं देख रहा हूँ, काफ़ी बड़ा है लेकिन आपको फ़ोन पे काफ़ी छोटा दिख रहा होगा, तो मैं सामने से देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इस पत्थर को भी दिखाया गया है दोस्तों, आपको स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, प्रॉपर मैच कर सकते हो। और 110% दोस्तों ये वही लोकेशन है जहाँ पर शोले फिल्म की शूटिंग हुई थी। आगे चल के दोस्तों मैं आपको दिखाऊँगा कहाँ पर वो जो रामगढ़ गांव का सेट लगाया गया था और जहाँ पे होली का गाना वगैरह वगैरह जितना कुछ था दोस्तों, वो सारा कुछ आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो पे आप लोग बने रहिए, आगे चल के आपको ठाकुर का घर और जहाँ पे गब्बर पहली बार आता है और ठाकुर के पूरे परिवार को मार देता है वो सारे सीन आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो में आप लोग बने रहिए दोस्तों, चलते हैं अभी फ़िलहाल आगे और आपको दिखाते हैं प्रॉपर सीन मैच कराते। ये देख सकते हैं दोस्तों टंकी वाला सीन यहीं पर बनाया गया था टंकी, आपको स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, मैच कर सकते हो। अभी चलते हैं फटाफट से आगे और जहाँ पे रामगढ़ गांव बसाया गया था वो सारा सीन दिखाते हैं। और टीम के शूटिंग के टाइम पे जो पूरे शूटिंग यूनिट के टीम थे दोस्तों, वो उन लोगों ने फ़ोटो खिंचवाया था, तो वो सारे कुछ मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा के दिखाऊँगा। अभी फ़िलहाल चलते हैं आगे और दिखाते हैं जहाँ पर होली का गाना शूट किया गया था और कहाँ पर गब्बर सिंह पहली बार आता है और ये डायलॉग होता है दोस्तों,
गब्बर के ताप से तुम्हें एक ही आदमी बचा सकता है, खुद गब्बर। तो वो सारा सीन होता है दोस्तों, अभी आगे चल के आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये वाला पेड़ आप मैच कर सकते हो, ये फिल्म के टाइम का ही पेड़ है, और पीछे वाला पत्थर भी आप मैच कर सकते हो। शूटिंग यूनिट के लोग कुछ यहाँ पे खड़े होकर फोटो खिंचवाए थे, जिस पे आपको ये पेड़ दिखेगा। पेड़ उस टाइम पे सूखा था, आज इस टाइम पे भी सूखा है दोस्तों, आप प्रॉपर मैच कर सकते हो। अगर किसी ने अपना सर, दोस्तों अभी ये रेड सर्कल लगा है, वहीं पे मस्जिद बनाया गया था दोस्तों। स्क्रीनशॉट पे आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट पे एक पहाड़ दिखेगी दोस्तों, जो कि वीडियो के फर्स्ट में मैंने आपको दिखाया, जहाँ पे अमिताभ बच्चन बंदूक लेके खड़े होते हैं। वो पहाड़ इसमें स्क्रीनशॉट में दिख रहा होगा दोस्तों, लेकिन ये मैं दूर से शूट कर रहा हूँ, पास में जाऊँगा तो ये पहाड़ आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों पहाड़ इस साइड लेफ्ट साइड में है। तो फिलहाल आप यहाँ से मैच कर सकते हो प्रॉपर कि मस्जिद कहाँ पर बनाया गया था। अभी पास चल के दिखाऊँगा दोस्तों, जो पत्थर वाला बीट है मस्जिद के साइड में, वो आज भी दोस्तों जैसे का तैसा ही है। आपको सामने जाके मैं दिखाऊँगा तो आपको प्रॉपर पता चलेगा दोस्तों कि मस्जिद इसी जगह पर बनाया गया था। दोस्तों ये वही रास्ता है जहाँ पे बसंती तांगा लेके आती है, और जिसमें आपको ये छोटा सा जो तालाब है दोस्तों, अभी बारिश का टाइम है तो आपको प्रॉपर सीन मैच हो जाएगा, जिसमें आपको ये पीछे वाला पत्थर भी देखने को मिलेगा। तो यही कुछ सीन है दोस्तों। दोस्तों अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, स्क्रीन शॉट में लिख के आ रहा है प्रोड्यूस एट रामनगर बेंगलोर। तो आपको अभी प्रॉपर पता चल ही गया होगा दोस्तों कि शोले फिल्म की शूटिंग रामनगर बेंगलोर में हुई है, और अभी आप देख सकते हो दोस्तों मस्जिद इसी जगह पे लेफ्ट साइड में बनाया गया था, जैसा कि आप स्क्रीनशॉट पे मैच कर सकते हो। अभी फ़िलहाल चलते हैं दोस्तों उस लोकेशन पे जहाँ पे ठाकुर का घर था, और जहाँ पे गब्बर सिंह जेल से भाग के ठाकुर के पूरे परिवार को मारते हैं, वो सारा सीन अभी आपको आगे चल के दिखाता हूँ। वीडियो में आप लोग बने रहिए दोस्तों। दोस्तों जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ उसके पीछे साइड में ही दोस्तों इसी जगह पर ठाकुर का घर हुआ करता था, और सेट लगाया गया था दोस्तों इसी जगह पे, और जिसमें आपको दोस्तों वो बड़ा वाला पत्थर आपको देखने को मिलेगा, और पत्थर के साइड में वो छोटा सा पौधा टाइप का निकला हुआ है दोस्तों, वो भी आपको फिल्म में देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको स्क्रीनशॉट में दिख रहा होगा दोस्तों। प्रॉपर मैं रेड एयरो रेड सर्कल लगा दूँगा दोस्तों, ताकि आपको पहचानने में आसानी हो दोस्तों, और प्रॉपर आप मैच कर सकते हो दोस्तों। और यही वो लोकेशन है दोस्तों जहाँ पर गब्बर सिंह जेल से भाग के आते हैं और ठाकुर के पूरे परिवार को मार देते हैं दोस्तों। ये पूरा सीन दोस्तों इसी जगह पे लिया गया था, जैसा कि आप स्क्रीनशॉट में प्रॉपर मैच कर सकते हो दोस्तों। तो यही कुछ सीन है दोस्तों रामनगर का, है ना। इधर फिल्म शूटिंग हुआ, कौन सा फिल्म? कौन सा फिल्म? सोले। हाँ घोड़े सब इधर से आते थे नहीं? अंकल को हिंदी नहीं आती है तो वो बता रहे हैं कि पूरी फिल्म यहीं पे शूट की गई थी, और अभी जंगल पूरा जंगल हो गया। दोस्तों ये वाला क्लिप मैं अभी छत के ऊपर शूट कर रहा था, लेकिन देख सकते हैं मौसम किस तरह का हो रहा है, और काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हवा चल रहा है। तो यहाँ पे अभी ज़्यादा देर रुकूंगा नहीं, क्योंकि वीडियो क्वालिटी भी सही नहीं आ रही है, और ऊपर से इतना तेज़ तेज़ हवा आ रहा है, शायद माइक सपोर्ट ना करे तो काफ़ी ज़्यादा नॉइज आ सकता है, तो उसको इग्नोर करना दोस्तों। और मुझे लगता है कि माइक सपोर्ट किया होगा और आवाज़ आपको क्लियर आई होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस भाई को सपोर्ट जरूर करना। मैं मिलूंगा इसी तरह के एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अपने भाई का चैनल। टेक केयर एंड टाटा बाय बाय, लव यू ऑल माई डियर यूट्यूब फैमिली।